हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए अगला पार्ट शुरू करते हैं हम लोग अपना रिमाइंडर थ्योरम का, जिसमें अभी लास्ट वीडियो जो हमने डिस्कस की थी उसमें मैंने इसमें से एक दो क्वेश्चन लिखे हुए थे और बोला था कि इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं आज हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। हालांकि ये कुछ पैटर्न लिखेंगे, इससे आगे वाले क्वेश्चंस भी हम लोग देख रहे होंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। चले तो एक बात बताओ, अभी तक जितनी हमने चीज़ें डिस्कस की, मैंने ऐसे बोला कि सपोज 13 मल्टीप्लाइड बाई 13 एंड डिवाइडेड बाई 12, तो रिमाइंडर क्या होगा। तो आप लोगों ने ऐसे बोला कि भाई 13 को 12 से डिवाइड करो, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, बोलो 1 आएगा। इस 13 को भी 12 से करो, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 × 1 कितना हो जाएगा, बोलो रिमाइंडर 1 आ गया। या फिर 13 × 13 169 को 12 से डिवाइड करो, 168 तक कट जाएगा, मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक बात बताओ कि हमें 13 × 13 को, अच्छा एक बार और मैं अगर ऐसे कर देता 13 × 13 × 13, या फिर एक बार और 13, एक बार और 13, और अब मैं पूछता कि 13 × 13 × 13 फाइव टाइम्स 12 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो इस 13 को 12 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1, इस 13 को 12 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1। तो हर एक केस में रिमाइंडर क्या आएगा, बोलो इस केस में भी 1 आएगा, इस केस में भी 1 आएगा, इस केस में भी 1 आएगा। सबको मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 1 × 1 कितनी ही बार करो आप, तो 1 × 1 आप कितनी भी बार कर रहे होंगे, आंसर मेरा क्या आ रहा होगा, हर बार 1 ही आ रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर जो आएगा मेरा वो कितना आएगा, बोलो 1 आएगा। इसको दूसरे फॉर्मेट में तो लिख सकते हैं हम, दिस क्वेश्चन ऑल्सो कैन बी रिटन एज 13 raised to power 5 डिवाइडेड बाई 12। होप दिस इज क्लियर। 13 raised to power 5 को मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए आप इस पावर को भूल जाइए, ये जो यहाँ पे ये raised to power 5 है, इस पावर को भूल जाइए आप। बस ये देखो 13 divided by 12 अगर मैं केवल करता, इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, तो 13 को 12 से भाग देता तो रिमाइंडर 1 बचता, तो रिमाइंडर मेरा जो 1 बचता उस पर अब इस पावर को आप रख दो, तो 1 raised to power 5 कितना हो गया, बोलो 5 हो गया। यही तो यहाँ पे हुआ है भाई, 13 को 12 से डिवाइड किया, हर एक जगह 1, 2, 3, 4, 5 हर जगह क्या आ रहा है, एक एक आ रहा है, ठीक है। एक कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 बार आ रहा है, वही तो हमने यहाँ पे लिखी। तो थोड़ी देर के लिए आप इस पावर को भूल जाइए, 13 को 12 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर जो आया उस पर बाद में फिर आप वो पावर रख दीजिए। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर सवाल यहाँ पे इस तरीके का होता, 13 की जगह सपोज मैं 14 यूज कर लेता, मैं ऐसे बोल देता कि 14 raised to power 3 और डिवाइड करना था मुझे 12 से, तो क्या होता। तो पहले तो एक तरीका ये देख लो कि 14 × 14 × 14 डिवाइडेड बाय कितना, बोलो 12। 14 को 12 से डिवाइड करो, रिमाइंडर यहाँ 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, रिमाइंडर यहाँ भी 2 आएगा, 2 × 2 = 4, रिमाइंडर कितना आएगा, बोलो 8 आएगा रिमाइंडर। इतना मुझे समझ में आ गया। इस सवाल को अभी थोड़ी देर पहले कैसे बताया कि थोड़ी देर के लिए इस पावर को आप भूल जाओ, 14 को 12 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 आएगा और 2 के ऊपर वही पावर रख दो जो थी, तो क्या हो गया, बोलो 2 raised to power 3 कितना हो गया, बोलो मेरा आंसर 8 है। होप दिस इज क्लियर। चले अच्छा, यहाँ तो क्या हुआ, ये सारे हमने पॉजिटिव नंबर्स लिए हैं, ठीक है। सपोज ऐसे होता, मैं आपको बोल रहा होता कि 12 multiplied by 12 multiplied by 12 multiplied by 12 और इसको मुझे 13 से डिवाइड करना है। अब बताओ भाई आंसर क्या आएगा। तो मैंने बोला इस 12 को जब मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ रिमाइंडर -1 आएगा, 13 एकम 13, ये 12 है, 13 से एक कम है, ठीक है। ये बार बार चीजें डिस्कस हो चुकी है, आई होप आपको नेगेटिव या पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो एडवाइस कि आप रिमाइंडर थ्योरम का Part 1 देखो, 2 देखो, इसके बाद फिर इस पे आइए, ठीक है। तो यहाँ भी रिमाइंडर -1 आएगा, यहाँ भी रिमाइंडर -1 आएगा, यहाँ भी रिमाइंडर क्या आएगा, बोलो -1 आएगा, ठीक। -1 × -1 × -1 × -1 चार बार -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा मेरा, +1 आंसर आएगा। या फिर क्या बोला गया था कि इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 12 × 12 × 12 चार बार है, तो 12 raised to power 4 डिवाइडेड बाई क्या, बोलो 13। क्या बोला था, थोड़ी देर के लिए आप पावर को भूल जाओ, 12 को 13 से डिवाइड करूंगा जब मैं, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, बोलो -1। 12 को 13 से डिवाइड किया, रिमाइंडर -1। अब जो -1 रिमाइंडर है उस पर पावर वही रख दो, तो -1 raised to power क्या है, बोलो 4 है, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा +1। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि माइनस का अगर नंबर है यहाँ पे, माइनस का जो नंबर उस पर पावर अगर इवन होगी, यहाँ पे देखो -n है अगर, ठीक है, माइनस सपोज ऐसे 1 ले लो यहाँ पर, ठीक है, तो -1 raised to power अगर इवन है तो मेरा क्या आ रहा होगा, बोलो पॉजिटिव का 1। बहुत बेसिक से रूल है, आई होप आपको पता होंगे। और अगर यहाँ पे -1 है और पावर कैसी है, बोलो ऑड है, तो ये किसमें होगा, बोलो -1 में होगा। वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं। इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं 12 × 12 को एक बार और ज्यादा हम कर देते हैं, ठीक है,
फाइव टाइम्स लिख देते हैं, तो 12 × 12 × 12 × 12 × 12 पांच बार लिख दिया और डिवाइड बाई कर दिया, बोलो कितने से, 13 से। हाँ तो 13 से डिवाइड करूंगा 12 को, यहाँ भी माइनस वन आएगा, यहाँ भी माइनस वन आएगा, यहाँ भी माइनस वन आएगा, यहाँ भी माइनस वन आएगा और यहाँ भी माइनस वन आएगा। अब पांचों माइनस वन को मल्टीप्लाई करना है तो पांच बार माइनस वन इंटू माइनस वन होगा तो क्या आएगा, फाइनली माइनस वन ही आंसर आएगा। लेकिन एक चीज समझने की कोशिश करिए आप यहाँ पे कि कभी भी मेरा जो रिमाइंडर है वो माइनस में नहीं होता, ये चीजें बार बार डिस्कस हो चुके हैं। तो रिमाइंडर माइनस में नहीं होगा तो इस नंबर को इसमें ले जाके ऐड कर दो तो माइनस वन प्लस 13 हो जाएगा, तो क्या होगा बोलो, 12 मेरा करेक्ट आंसर। दूसरा तरीका क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 12 raised to power 5 डिवाइडेड बाई क्या बोलो, 13। तो 12 की घात 5 को मैंने 13 से डिवाइड किया तो थोड़ी देर के लिए इस पावर को भूल जाते हैं, यही तो डिस्कस कर रहे हैं। तो 12 को 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर माइनस वन आएगा, और माइनस वन रेज टू पावर फाइव करेंगे तो यहाँ पे माइनस वन ही होगा। एक चीज बार बार डिस्कस हो रही है कि हम कभी भी आंसर को नेगेटिव में नहीं करेंगे, किसके आंसर को, रिमाइंडर के आंसर को, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो रिमाइंडर नेगेटिव बन तो हो नहीं सकता, इसका मतलब रियल आंसर क्या है, तो रियल आंसर हमारा जब 13 से डिवाइड किया रिमाइंडर नेगेटिव बनाया तो ओरिजिनल आंसर है माइनस वन को हम क्या करेंगे, इसमें 13 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा बोलो क्या बोलो, 12। अब दिस इज क्लियर। ये पहली वीडियो हमने डिस्कस किया था कि नेगेटिव रिमाइंडर पता है तो पॉजिटिव कैसे आएगा, पॉजिटिव पता है तो नेगेटिव रिमाइंडर कैसे आएगा। होप दिस इज क्लियर। चलो अब आ जाती है जो क्वेश्चन सामने लिखे हुए हमारे, इनको कैसे करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन को लेते हैं, सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन जो हमारा, इस क्वेश्चन को लेते हैं, 47 raised to power 47 एंड डिवाइडेड बाई क्या है, 46। ठीक, अब 47 raised to power 47 डिवाइड बाई 40, थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाइए पावर को। आप एक बात बताओ, 47 को 46 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा बोलो, 1 आएगा। 47 / 46 रिमाइंडर 1 आएगा। अब 1 की पावर रख दो आप तो 1 की पावर क्या है बोलो, 47 है, तो 1 की पावर कुछ भी हो आंसर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। किताबों में इस सवाल को किस तरीके से उन्होंने बता रखा है, किताबों में उन्होंने ऐसे बोला है कि सपोज a raised to power n है, जहां पे n कोई भी नंबर है, और डिवाइड में है a माइनस 1। ध्यान से देखना, ये वही फॉर्मेट है, a को मैंने 47 मान लिया तो a माइनस 1 कितना हो गया, 46, और पावर यहाँ पे कुछ भी होगी। तो a raised to power anything divided by a minus 1 है, तो इस केस में जो मेरा रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा क्या आएगा बोलो, 1 आएगा। इस तरीके से उन्होंने बॉक्स बना के बढ़िया सा फॉर्मूला बना के लिख दिया। दिक्कत क्या है, फॉर्मूला सही है गलत नहीं है, बट एक बात बताओ, हर एक तरीके के इतने फॉर्मूले आ जाएंगे, कितने फॉर्मूले आप याद रख पा रहे होंगे, प्रॉब्लम ये है। अब यहाँ पे चार पैटर्न है, चार के अलग अलग चार फॉर्मूले बन रहे होंगे, तो कैसे हम कहाँ तक एग्जाम में याद रखेंगे कि कौन सा, तो हमें जरूरत क्या है, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। होप दिस इज क्लियर। चलिए अगर आप इसको भी लिखना चाहते हैं इसको भी लिख लीजिए, बाकी नहीं तो मैं जो चीजें बता रहा हूँ मेरी एडवाइस आपको वही है कि आप उन पर फोकस करिए। ये तो रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, होप दिस इज क्लियर। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है 47 raised to power 47 एंड डिवाइडेड बाय क्या है, 48। ठीक, अब देखो थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, 47 को जब आप 48 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा कितना बोलो, माइनस का 1 आ जाएगा। 48 यह है 47, 48 से कितना कम है, 1 कम है, जो कम होता है वो नेगेटिव रिमाइंडर हो जाता है। ठीक, हाँ तो माइनस 1 हो गया। अब माइनस 1 आ गया, माइनस 1 पे वही पावर रख दीजिए जो यहाँ पर रखी थी थोड़ी देर पहले, क्या डिस्कस किया था, नेगेटिव का नंबर है, नेगेटिव पे जब पावर इवन होती है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, नेगेटिव पे पावर कैसी है, ये ऑड है, तो ऑड है तो क्या रहेगा, वो नेगेटिव रहेगा। तो -1 × -1 × -1 आप कितनी ही बार करो रहेगा तो 1 ही। अब वो पॉजिटिव का होगा या नेगेटिव का, वो पावर पे डिपेंड करेगा, पावर ऑड है इसका मतलब वो नेगेटिव का 1 ही रहेगा। अब आंसर मेरा नेगेटिव में नहीं हो सकता है, कई बार ये चीजें डिस्कस हुई हैं, तो इसको हमें सही आंसर करने के लिए माइनस वन में इस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 48 को, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 47 आ जाएगा। इसको किताबों में किस तरीके से उन्होंने बताया, वो कह रहे हैं कि सपोज ए रेस टू पावर कौन सा नंबर है, ए रेस टू पावर एक नंबर है, कैसा बोलो, ऑड नंबर है। ए देखो ए को मान लिया 47 और पावर कैसी है, ऑड है। अब वो 47 हो 49 हो 53 हो कुछ भी हो, डिवाइडेड बाई अगर वो कह रहे हैं ए प्लस 1 है, ए प्लस 1 मतलब 47 प्लस 48, तो इसका जो रिमाइंडर होगा मेरा, इस केस में जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा बोलो, मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 47 आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है बोलो, ए आ रहा है। तो इस केस में जो रिमाइंडर होगा मेरा वो क्या होगा,
ई होगा, इस तरीके से चीज़ें कुछ लिखी गई हैं। अगर आपको ऐसे समझना है आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। होप दिस इज क्लियर। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी, तो आपको ऐसे समझना है इस तरीके से भी समझ लीजिए। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है 47 रेज टू पावर 48 एंड डिवाइडेड बाय क्या है 46। बहुत ईजी है, 47 को 46 से डिवाइड करोगे बोलो रिमाइंडर 1 आएगा, 1 रेज टू पावर क्या है 48 है, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका अगर आप फॉर्मेट बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, वही फॉर्मेट हो जाएगा जो आपको पहले बोला था। क्या बोला था कि a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय क्या बोलो a माइनस 1 होगा, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा बोलो, मेरा रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा 1 होगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, होप दिस इज क्लियर। ये तो रहा आपका ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब की बार क्या किया है 47 डिवाइड बाई 48 किया है इन्होंने, और यहाँ पावर भी 48 कर दी है। ठीक, क्या बोला है थोड़ी देर के लिए आपको पावर को भूल रहे हैं, 47 को डिवाइड बाई 48 करेंगे, 47 डिवाइड बाई 48 तो रिमाइंडर आएगा बोलो माइनस का 1। ठीक है, अब माइनस का 1 जो रिमाइंडर आया है मेरा माइनस 1 रिमाइंडर, कैसे आ रही है चीजें बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, 48 से कम 48, ये 47 है, 48 से एक कम है तो माइनस का रिमाइंडर। अब जो भी रिमाइंडर आ रहा है माइनस का उस पर वही पावर हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है 48। अब माइनस का नंबर है माइनस 1 है, और माइनस के नंबर पर पावर कैसी है बताओ, इवन पावर है, तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 48 बार होगा, इवन टाइम्स होगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो वैल्यू होगी इसकी वो कितनी होगी बोलो 1 आ रही होगी। तो इसको किताबों में वही आपको फॉर्मेट अगर इसका बनाना चाहो तो ऐसा बोल सकते हैं कि a रेज टू पावर अगर कैसा है बोलो इवन, a रेज टू पावर ही कैसा नंबर है इवन है, और डिवाइड में आपको कर दिया अगर a प्लस 1 कर दिया तो इस केस में जो आपका रिमाइंडर होगा वो भी क्या होगा 1 होगा, रिमाइंडर होगा वो क्या होगा बोलो 1 होगा। यही तो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की है, होप दिस इज क्लियर। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, होप यहाँ तक चीजें क्लियर है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आप क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए, मैं जो भी अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें उस वीडियो में इस क्वेश्चन को इंक्लूड करने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं आज का, क्या है फिफ्थ क्वेश्चन है, ये है 5 रेज टू पावर 175 एंड डिवाइडेड बाई 24। जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन किए उससे थोड़ा सा हटके है, अलग लेवल का क्वेश्चन है, और आज के दौर को देखते हुए 2017 में जो एसएससी सीजीएल का मेंस हुआ है उसमें जिस तरीके के क्वेश्चंस हमारे आए हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस लेवल से और इससे भी हो सकता है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमें जो क्वेश्चन करना है वो केवल और केवल अच्छे और एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करना है। अब देखिए सबसे पहला और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर यहाँ अंश है और ये हर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू होनी चाहिए वो डिनोमिनेटर के करीब होनी चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा इस 5 को एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट करने की कि वो 24 के करीब हो, 24 से थोड़ा सा ज्यादा हो या थोड़ा सा कम हो। ठीक, 5 को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम 5 को क्या बना सकते हैं, देखो 5 के पास बहुत सारी पावर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 ऐसे बहुत सारे हम लिख सकते हैं, कितनी बार 175 बार, तो हम ऐसे 5 × 5 × 5 करके हमें इस 5 को ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है कि वो 24 के करीब हो, 24 के करीब 5 का कौन सा फॉर्मेट आ सकता है, 5 × 5 का 25 आ सकता है। अगर यहाँ पे 25 होता, सोच के देखो यहाँ 25 होता तो 25 डिवाइड बाई 24 करता तो क्या आ जाता है मेरा रिमाइंडर 1, तो बस मुझे क्या करना है इसको 5 को 25 में कैसे भी करके कन्वर्ट करना है। ठीक, तो पहला स्टेप जो होगा वो क्या करेंगे, हम इसको करेंगे 5, अब देखिए 175 है तो 5 को क्या कर लेंगे 5 रेज टू पावर 2 कितना हो गया बोलो 25 हो गया है। ठीक, अब 175 का आधा करेंगे तो वो पॉइंट में आ जाएगा, तो 174 का आधा करते हैं तो 174 का आधा हो जाएगा 87। ठीक है, या फिर ऐसे समझो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक स्टेप थोड़ा ज्यादा होगा, 174 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेज टू पावर 1 और डिवाइडेड बाई 24, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक, मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या होती है एड होती है, 5 की घात 174 प्लस 5 की घात 1 है तो ये पावर क्या होंगी ऐड होंगी, ये बेसिक रूल पता है हमें। चले अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर और इसकी पावर कर देते हैं 87, देखो 87 × 2 कितना हो गया 174, इस तरीके से पावर मल्टीप्लाई होंगी, तो जो 5 की घात 174 उसको इस फॉर्मेट में लिख दिया, 5 का स्क्वायर की घात कितना 87 और मल्टीप्लाई क्या कर दिया 5 रेज़ टू पावर 1 और डिवाइड में कितना कर दिया बोलो कितना 24। होप दिस इज क्लियर।
इसको क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर क्या हो गया बोलो, ये हो गया 25, 25 की घात कितना हो गया 87 मल्टीप्लाइड बाई 5^1 है तो 5 ही कर दो और डिवाइडेड बाई क्या कर दो 24 कर दो, कोई दिक्कत है ना? नहीं। अब एक बात बताओ, क्या बोला था अभी थोड़ी देर के लिए, 25 से 24 है तो 25 को 24 से भाग दोगे शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा, थोड़ी देर के लिए पावर को भूल जाते हैं, तो 25 को 24 से भाग देंगे शेषफल 1 आएगा, तो 1^2 क्या बचेगा 87 मल्टीप्लाइड बाई 5 को 24 से भाग देंगे तो वो तो 5 का 5 ही रह जाएगा डिवाइड बाई 24, 1^2 कुछ भी कर लो आप, ये तो 87 ही रहेगा, सॉरी 1^87 कुछ भी कर लो 1 ही रहेगा ये, तो 1 × 5 कितना हो गया, 5 आ गया, ठीक है, 5 को 24 से डिवाइड हम आगे और कर नहीं सकते, मेरा आंसर क्या आ गया बोलो 5 आ गया। तो इस तरीके की जितनी भी इक्वेशंस आप कर रहे हो आपको क्या करना है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उस वैल्यू के करीब लाना है आपको इस ऊपर वाले नंबर को। अब ये ऊपर वाला नंबर इससे छोटा भी हो सकता है, अगर मैं 5 को 23 बना सकता तब भी बड़ी अच्छी बात थी, 23 बना देता तो मेरा नेगेटिव रिमाइंडर आ जाता, या फिर मैं इसको क्या बना देता 25। चले छोटा सा मैं समझ के देख, क्वेश्चन आप खुद से करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको बस बेसिक बता दूंगा करना क्या है। सपोज मैंने कोई एक क्वेश्चन लिया एंड से सपोज क्वेश्चन इज लाइक 6^ 38 एंड डिवाइडेड बाई 37। प्लीज जो भी वीडियो देख रहे हैं आप इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। अब देखिए ये 37 है और ये 6 है, तो आपको क्या करना है, 6 को ऐसे कन्वर्ट करना है कि वो 37 के करीब आ जाए, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, फाइंड द रिमाइंडर। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, बहुत सिंपल सा मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आंसर आप लोग करके कमेंट बॉक्स में मुझे बता देंगे मुझे उम्मीद है, तब तक क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी हैव अ नाइस डे।